नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर में नौकरी कैसे कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या योग्यता होती है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, इसमें किस तरीके से फॉर्म भरते हैं और यह वैकेंसी किस टाइप की रहती है, कितने ग्रुप रहते हैं। कम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं जो है रेलवे में जॉब कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों रेलवे की स्थापना जो है 1853 में हुई थी, तब से लेकर आज तक रेलवे में कई सारी वैकेंसीज निकलती आ रही हैं और आज के समय में तो देख सकते हैं आप कई सारे अमाउंट्स में जॉब वैकेंसी निकल रही है। रेलवे के अंदर ए बी सी डी चार ग्रुप्स के अंदर जॉब वैकेंसी निकलती है, जिसमें से ग्रुप सी और डी के लिए जॉब वैकेंसी निकलता है वो निकालता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि RRB जिसको हम बोलते हैं, और ग्रुप ए के लिए जो जॉब वैकेंसी निकलती है वो निकलती है UPSC के द्वारा। क्योंकि ग्रुप ए के अंदर जो जॉब वैकेंसी आती है वो ऑफिसर्स रैंक की आती है, उनको UPSC कंडक्ट कराता है, और सी और डी के अंदर जॉब वैकेंसी रहती है वो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB कराता है। ग्रुप बी के अंदर कोई किसी प्रकार जॉब वैकेंसी नहीं निकलती है, ग्रुप बी के अंदर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर ग्रुप सी के अंदर काम करते हैं, यानी कि उनका जब प्रमोशन होता है तो उनको ग्रुप बी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रेलवे के अंदर चार कैटेगरीज के अंदर जॉब वैकेंसी रहती हैं जिनको ए बी सी डी में डिफाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ग्रुप ए के बारे में। दोस्तों रेलवे के अंदर ग्रुप ए की जॉब वैकेंसीज रहती है वो ऑफिसर्स रैंक की जॉब वैकेंसीज रहती है, जॉब रहती है, और यह जॉब जो रहती है ग्रुप ए के अंदर वो UPSC कंडक्ट कराता है। UPSC के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स और कॉमन मेडिकल एग्जाम जो होते हैं उनके माध्यम से ग्रुप ए के अंदर सिलेक्शंस होता है और ए ग्रेड की यह जॉब्स रहती हैं। बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशंस की, ग्रुप ए के अंदर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ग्रुप ए के अंदर आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंजीनियरिंग डिग्री, मेडिकल डिग्री या MBBS होना अति आवश्यक होता है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होती है तो आप UPSC एग्जाम्स के द्वारा उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके बाद आप ग्रुप ए के अंदर रेलवे के अंदर भर्ती होकर जॉब्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है ग्रुप बी। तो दोस्तों ग्रुप बी के अंदर कोई किसी प्रकार रेलवे के अंदर जॉब वैकेंसी नहीं निकलती है, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर ग्रुप सी के अंदर जॉब्स करते हैं, उनका जब प्रमोशन किया जाता है उन प्रमोशंस के बाद उनका ग्रुप बी में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यह होती है ग्रुप बी की जॉब जो कि रेलवे के अंदर होती है। थर्ड आती है ग्रुप सी और डी की जॉब वैकेंसीज। ग्रुप सी की जो जॉब रहती है वो रेलवे कंडक्ट कराता है, रेलवे भर्ती बोर्ड कराता है। इसके ऑल ओवर इंडिया में 21 बोर्ड हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के, और सी और डी के अंदर जो जॉब्स रहती है वो स्टाफ क्लर्क, आपका होम गार्ड, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, हेल्पर, खल्लासी, ट्रॉलीमैन, ट्रैकमैन, कैटरिंग मैनेजर, गार्ड, स्टेशन सहायक इत्यादि जो पद होते हैं वो ग्रुप सी और डी के अंदर रेलवे के अंदर होते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी और डी के अंदर जो क्वालिफिकेशंस रहती है वो क्या रहती है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। दोस्तों ग्रुप सी और डी के अंदर जो क्वालिफिकेशन रहती है वो मिनिमम 10वीं क्लास और अधिकतम आपकी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, इनके बीच में ग्रुप सी और डी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस जॉब के लिए आपका जो एग्जाम होता है वो आजकल ग्रुप सी और डी के लिए जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड जॉब के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम CBT बोलते हैं, इस टेस्ट को जो रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसमें इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जब इसका एग्जाम देते हैं और उसमें जब क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के द्वारा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा आपको रेलवे में पोस्टेड कर दिया जाता है। और इस जॉब के लिए आपको अभी जो अप्लाई करना पड़ता है वो प्योरली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई इसके लिए करना पड़ता है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग बोर्ड बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो कि 21 बोर्ड अभी भी हैं। जैसा कि पहला आपका बोर्ड आता है अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर, पटना, मुजफ्फर, मुंबई, मालवा, कोलकाता, जम्मू, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद और रांची। ये आपके 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के सेंटर हैं, बोर्ड हैं, इनके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ग्रुप सी और डी के अंदर, और जो क्वालिफाई जाते हैं कर लेते हैं उनको अपने अपने स्टेट में अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पदोन्नत कर दिया जाता है। और दोस्तों से बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों रेलवे के अंदर जो अप्लाई करते हैं ग्रुप सी और डी के अंदर उनकी एज लिमिट जो रहती है मिनिमम
18 साल और अधिकतम 28 वर्ष होती है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी या जनरल, उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन मिलता है और इस तरीके से आप रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ओवरव्यू वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन हमने दी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर किस टाइप की जॉब होती है, कितनी कैटेगरी होती है, इसके अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है और कौन सी कैटेगरी अंदर किस टाइप की क्वालिफिकेशन होती है। उम्मीद करते हैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू जो छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया, यदि है इन्फॉर्मेशन आपके काम के हो, आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।